श्रीकांजली मुद्रा। गुजरात में कोरोना के मामले में अब सरकार भी घिर रही। दरअसल गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बड़ी बात यह है कि इस विधायक ने मंगलवार सुबह ही राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से मुलाकात की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और दो विधायकों से बैठक के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस के एक विधायक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला को कुछ दिनों पहले बुखार था और उन्होंने अपना सैंपल जांच के लिए दे रखा था। जांच की रिपोर्ट आने ही वाली थी लेकिन वो बाहर निकल गए। विधायक को अभी गांधीनगर के SVP अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अस्पताल कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सभी सुविधाओं से लैस है। अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि विधायक के साथ कितने लोगों ने सीट साझा की जिन्हें क्वारंटीन में भेजे जाने की जरूरत है। मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के वीडियो में ये देखा जा सकता है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था और सभी विधायक और मंत्री कम से कम 1 मीटर की दूरी पर बैठे थे। बता दें कि गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 617 है जबकि राज्य में 26 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। राहत वाली बात यह है कि 55 लोग इससे ठीक भी हुए हैं लेकिन सवाल अभी भी कई है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर विधायक इमरान खेड़ावाला को लक्षण थे तो फिर वो मीटिंग के लिए बाहर क्यों गए। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि इस मीटिंग में विधायक ने मुंह से मास्क भी हटा लिया और मुख्यमंत्री ने भी मास्क नहीं लगाया। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब मुख्यमंत्री और विधायक ही सतर्कता नहीं बरतेंगे तो फिर बाकियों का क्या।